भावनगर से मैं मेहुल कुमार और में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आज हम बहुत सुंदर एक बार्किंग डॉग बनाएंगे चलिए एक स्क्वायर पेपर लीजिए और ये सामने आमने दोनों कोने मिला दीजिए ये क्रीज हो गया इसको वापस खोल दे चलिए अब नीचे का हिस्सा उठा करके ऊपर के कोने से मिलाइए और ये भी क्रीज़ हो गया वापस खोल दे अब ये जो है एक साइड का ये हिस्सा मैं उठा करके बीच में मिला रहा हूँ अब दूसरी तरह का हिस्सा है वो लाइन सेगमेंट भी मैं बीच में मिला देता हूँ तो ये ऊपर सुंदर दोनों ट्रायंगल की सिमेट्री हो गई अब बॉटम वाला जो ट्रायंगल है उसको मैं ऊपर उठा रहा हूँ और ये बीच वाली लाइन से मिल जाएगी और ये बहुत सुंदर क्रीज हो रही है इसको अच्छे से क्रीज़ कर देते हैं चलो ये भी हो गया अब ऊपर वाला जो कोना है उसको ये अभी जो हमने बनाया ये ट्राइंगल का बीच वाला कोना वहाँ पे मिला देते हैं ऐसे हो गया बहुत बढ़िया चलिए अच्छे से प्रेस कीजिए इसको हम पलट देते हैं चलिए अब ये जो लाइन है ये हिस्से वाली लाइन यहाँ तक हमें ऐसे इसको फोल्ड करना है ठीक है चलिए दूसरी तरफ भी ये कर दीजिए ये लाइन और ये हमने अच्छे से प्रेस कर दिया बहुत बढ़िया चलो अब इसको ऐसे ही आगे वाले हिस्से को हम उठा देते हैं देखिए ऐसे ये दोनों को पकड़ा और ये चोटी बना दिया और ये हिस्सा ऐसे रह गया चलिए बहुत बढ़िया ये दोनों तरफ अच्छे से प्रेस कर दें ये ऐसा है हो गया बहुत बढ़िया चलिए इसको वापस पलट देते हैं अब ये ट्रायंगल का ऊपर वाला कोना नीचे बॉटम से मिला देते हैं ये क्रीज़ हो गई इसको आधा इस तरफ नीचे खोल देते हैं अब ये नीचे वाली जो बॉटम लाइन है उसको पकड़ के यहाँ बीच वाली ये लाइन से हम मिला देते हैं और ये नीचे वाला इसे थोड़ा खोल दें तो ये ट्राइंगल बहुत सुंदर दिखने लगेगा और अच्छे से प्रेस कर देते हैं वाह अब देखिए ये दोनों ट्राइंगल इसको हम खोल देते हैं ऐसे हो गया बहुत बढ़िया अच्छे से प्रेस कर दें अब ये आधा हिस्सा जो है मैं उसको उठा करके आधे हिस्से से मिला रहा हूँ और अच्छे से प्रेस हो जाए चलिए अब हमें ये जो है डॉग की आगे वाले हेड का हिस्सा है वो बनाना है तो ये जो है ट्रायंगल दिखता है इसको पकड़ के मैं यहाँ पे 90 डिग्री बना देता हूँ और ये अच्छे से प्रेस हो जाए चलिए अब इसको मैं ऐसे खोलता हूँ देखिए ऐसे ये खोल दिया अब ये जो लाइन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ स्केच पेन से ये देखिए ये लाइन ठीक है वहाँ पे क्रीज है ही इसको हम अच्छे से माउंटेन फोल्ड में बदल देंगे और ये नीचे वाला जो लाइन है वो बन जाएगा वैली फोल्ड तो ऊपर से इसको प्रेस कर दें बहुत सुंदर चलिए दूसरी तरफ भी ये चीज़ हम दोहराते हैं इसको खोल दें नीचे से खींचे बड़ा हिस्सा तो ये बाहर आ जाएगा अब ये जो है ऊपर वाला उसको माउंटेन क्रीज बना दे और ऐसे प्रेस करें चलिए नीचे वाला इसे अंदर डाल देते हैं बहुत सुंदर रोमबस जैसा दिखता है पर ये काइट है चलिए अब ये आगे वाला जो है हाँ, इसको पकड़ के मैं यहां तक ले आता हूं और इसको प्रेस कर दिया अब थोड़ा सा हिस्सा नीचे से उठा करके फिर से एक नया ट्राइंगल में बना रहा हूं देखिए ऐसे अब ये थोड़ा सा हिस्सा ये जो नोज रहता है डॉग का ये मैं प्रेस कर दिया चलिए इसको नीचे से खोल दीजिए और ये ऊपर वाला लाइन है वो यहां से ऐसे फोल्ड होगा और नीचे वाला है वो ऐसे ऊपर आएगा ठीक है ये जेड शेप होता है चलिए बहुत बढ़िया हो गया अब ये नोज वाला हिस्सा इसको ऊपर कर देते हैं ये हिस्सा आगे वाला हिस्से इसको ऊपर फोल्ड कर दे तो ये बाहर आएगा ठीक है अरे वाह बहुत सुंदर हो गया चलिए अब ये जो है इसको हम यहां से पकड़ेंगे यहां से और ये उसकी टेल है उसको आगे पीछे खींचेंगे देखिए इसका ओ वेरी गुड नॉ